नमस्कार, प्रस्तुत है राग भैरवी का परिचय। राग भैरवी, ठाट भैरवी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैरवी राग भी है और भैरवी ठाट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ठाट का जो है नाम अपने ठाट में सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे लोकप्रिय राग के नाम के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो चूंकि भैरव ठाट के अंतर्गत भैरवी राग काफ़ी लोकप्रिय और प्रचलित राग है, तो इसलिए उस समूह को, ठाट समूह को नाम जो है भैरवी रख दिया गया है। और इसे हम आश्रय राग भी कहते हैं, यानी जिस राग के नाम पर ठाट का नामकरण किया जाता है वो आश्रय राग कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राग भी भैरवी और ठाट भी भैरवी। जाति संपूर्ण मतलब सातों स्वर इसमें लगते हैं। वादी मध्यम, वादी मतलब उस राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, और संवादी उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है जो वादी से संवाद करते हुए चलता है। तो मा यानी मध्यम वादी स्वर है इसका, और सा यानी षड्ज जो है इसका संवादी स्वर है। स्वर यानी इसमें जो लगने वाले स्वर हैं वो रेगा, धानी, कोमल और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, यानी रे, ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद जो है कोमल स्वर लगते हैं, इसके अलावा शुद्ध स्वर लगते हैं। वर्जित स्वर कोई नहीं, सभी सातों स्वर का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। समय यानी इसका गायन वादन समय प्रातः काल माना जाता है। सम प्रकृति राग यानी इससे मिलती जुलती राग बिलास, खानी, तोड़ी, इसका देखिए आरोह, सारे, गामा, पाधा, नीसा, अवरोह, सानी, धापा, मागा, रेसा, इसकी पकड़ देखिए मागा, सारे, सा, धानी, सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर के ऊपर या नीचे कुछ चिन्ह, तो भातखंडे स्वर लिपिबद्ध के अंतर्गत इन चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रे, गा और धा, नी, ये इसके नीचे जो आप पड़ी रेखा यानी बार देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्वर हैं ये कोमल स्वर हैं। और इसके अलावा जो आप सा के ऊपर बिंदी देख रहे हैं या यहाँ पर पकड़ में धा और नी के नीचे बिंदी देख रहे हैं, बिंदु, तो इस बिंदु का मतलब क्या होता है, वो सप्तक का इशारा करता है। यदि स्वर के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो वो तार सप्तक का स्वर होगा, यदि स्वर के नीचे बिंदी लगी हुई है तो वो मंद्र सप्तक का स्वर होता है। यदि किसी भी स्वर में ऊपर या नीचे कहीं भी बिंदी नहीं लगी हुई है तो वो मध्य सप्तक का स्वर होता है, जैसा कि सप्तक तीन माने गए हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो ये चिन्ह जो है, बिंदु जो है, इशारा करते हैं सप्तक का। पकड़ का मतलब होता है उस राग को पकड़ना यानी पहचानना, इसे हम राग लक्षण कहते हैं। तो पकड़ का मतलब ये होता है कि कम से कम स्वर समूह जिससे राग की पहचान की जा सके, यानी ऐसा स्वर समूह जो संक्षेप हो, संक्षिप्त हो और जिससे स्पष्टतः राग की पहचान की जा सके, उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ का मतलब पकड़ना, मतलब हमने राग को पकड़ लिया, मतलब पहचान लिया, इसे हम राग लक्षण भी कहते हैं। राग भैरवी जो है भैरवी ठाट का आश्रय राग है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि जिस राग के नाम पर ठाट का नामकरण किया जाता है उसे हम आश्रय राग कहते हैं। तो भैरवी इस प्रकार एक आश्रय राग है, अर्थात इसकी उत्पत्ति भैरवी ठाट से मानी जाती है। यह अत्यंत मधुर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। यद्यपि राग भैरवी में रे, गा, धानी ये चारों स्वर कोमल और मशुद्ध लगता है, तथापि इसमें बारहों स्वर प्रयोग करके कलाकार गाते बजाते हैं। जैसा कि आपको विदित है शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 स्वर होते हैं, तो इस प्रकार इसमें 7 स्वर जो है अवश्य प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी क्षमता अनुसार कलाकार इसमें 12 स्वरों का प्रयोग करते हैं। इस राग की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रातःकालीन राग होते हुए भी इसे किसी भी समय में गाया बजाया जा सकता है। जैसा कि हर राग के गाने बजाने का नियम होता है, तो इसमें नियम तो है प्रातःकाल, लेकिन इसके अलावा इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। और इसकी एक खासियत और भी है कि किसी भी महफिल का समापन अक्सर इसी राग से होता है। भैरवी में सभी स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। सभी स्वर कोमल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो म स्वर होता है मध्यम जो होता है कोमल स्वर शुद्ध होता है और विकृत स्वर तीव्र होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी स्वर कोमल लगते हैं, क्योंकि सा और पा कभी तीव्र या विकृत नहीं होते, वो अपने शुद्ध रूप में ही होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर प्रयोग होते हैं, यानी सातों स्वर इस राग में
प्रयोग किए जाते हैं, इस वजह से इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। यानी इसके आरोह और अवरोह दोनों में सातों स्वर का प्रयोग होने से हम इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानते हैं। इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर सड़ज है। कुछ विद्वान इसका वादी स्वर पंचम भी मानते हैं, किंतु मध्यम वादी और सड़ज संवादी सर्वमान्य है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विद्वान पंचम यानी प स्वर इसका वादी मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान यानी लगभग सर्वमान्य ये मत है कि इसका वादी मध्यम और सड़ज संवादी होना चाहिए। इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, भजन और रजाखानी गत तथा धुन आदि अधिक गाए बजाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस राग का स्वर विस्तार। ये स्वर विस्तार बहुत महत्वपूर्ण होता है उस राग को विस्तार देने में। स्वर विस्तार लिखने के लिए भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, प्रायोगिक परीक्षा में। इसे गाने बजाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आप ये स्वर विस्तार नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें आरोह और अवरोह के साथ ये स्वर विस्तार दिया गया है। राग के विस्तार करने में यानी राग के गाने या बजाने में और लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इस स्वर विस्तार को अच्छे से अध्ययन कर लें। ये जो आप महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी देख रहे हैं, ये गायन सिद्धांत और स्वरवादन सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया गया है। इन पुस्तकों का अध्ययन आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। धन्यवाद।